क्या बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए? क्या नीतीश कुमार को ये बड़ा फैसला लेना चाहिए? क्या मणिपुर की तरह ही बिहार में भी खत्म हो जाएगी शराबबंदी? इसकी चर्चा फिर से शुरू हो गई है और इसके पीछे है CIABC यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज। मादक पेय विनिर्माता निकाय CIABC ने शनिवार को बिहार सरकार से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। निकाय ने कहा है कि ऐसा करने से राज्य के राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि मणिपुर में 30 साल के अंतराल के बाद शराब की बिक्री और खपत को वैध कर दिया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने यह भी कहा है कि बिहार में शराबबंदी खत्म होने से वहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, खराब गुणवत्ता वाली शराब का गैर कानूनी व्यापार खत्म होगा और जहरीली शराब की त्रासदियों को रोका जा सकेगा। CIABC के महानिदेशक विनोद गिरी ने कहा है कि मणिपुर सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाया है और इससे राज्य को 600 से 700 करोड़ रुपए का वार्षिक कर राजस्व अर्जित करने और अवैध शराब की बिक्री के खतरे से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है बिहार सरकार को भी इसका पालन करना चाहिए और शराबबंदी हटानी चाहिए। गिरी ने कहा है कि बिहार अवैध और नकली शराब के प्रसार, जहरीली शराब की घटनाओं, अपराध सिंडिकेट के बढ़ने और वैध सरकारी राजस्व के नुकसान के रूप में शराबबंदी नीति की भारी कीमत चुका रहा है। उन्होंने कहा है बिहार शराबबंदी को इस तरह खत्म कर सकता है कि सरकार वांछित सामाजिक लक्ष्यों से समझौता किए बिना राज्य के विकास के लिए राजस्व प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा है हमने सुझाव दिया है कि शराब फैक्ट्रियां अपने कर्मचारियों में से 50% महिलाओं को रखेंगी, जिससे महिलाओं का वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण होगा। हमने शराब मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों को वित्त पोषित करने के लिए शराब की बिक्री पर एक विशेष उपकर लगाने का भी प्रस्ताव किया है। मणिपुर सरकार ने 30 से अधिक वर्षों के प्रतिबंध के बाद 7 दिसंबर को राज्य में शराब की बिक्री और खपत को वैध कर दिया था।